हाय एवरीवन, जैसे कि एनआईएलटी सीटी का काउंसलिंग कंप्लीट हो गया है तो सारे बच्चे को अलग अलग कॉलेज में पंडित दीनदयाल उपाध्याय रैली में जो है और एनआईएलटी कोलकाता एसबीएन उड़ीसा और निटमेट चेन्नई में सबको रिपोर्टिंग के लिए बुलाया जा रहा है। तो बच्चे का बहुत सारी क्वारीज आ रही है कि भैया रिपोर्टिंग डे पे कैसे जाना है, कौन सा स्टेशन पे जाना होगा और ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, हॉस्टल में सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अपना स्टेटोस्कोप लेके जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वहाँ मिलेगा, हम अपने जो फ्रेशर प्रोफेशन कंप्लीट करेंगे तो उसके नाम से पहले डॉक्टर यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इन सब क्वारीज को रिलेटेड हम लोग ने प्लान किया कि एक प्रॉपर वीडियो बना देते हैं ताकि हमारे जो बच्चे आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। और क्योंकि पिछले बार जब हम लोगों की काउंसलिंग कम्प्लीट हुई थी ना तो हम लोग रिपोर्टिंग के लिए बहुत डिस्कस कर रहे थे कैसे करना है नहीं करना है, कुछ मिल नहीं रहा था साधन, तो हम लोग ने इस बार एक वीडियो बना दिया ताकि आपको जहाँ तक हो पाए हेल्प मिल सके। तो इनके लिए हमारे साथ सोनू सर हैं, नमस्ते सर, और अंशु सर, नमस्ते सर, और सैमी सर, नमस्ते। और आप अगर मेरा वीडियो रेगुलर देख रहे हो तो आप भी जानते हो कि मेरा नाम हिमांश है। और तो सुनो सर, बच्चे जो हमारे यहाँ रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम हो रही है कि वो आएंगे तो कौन से स्टेशन पे आएंगे और कॉलेज कैसे पहुंच पाएंगे वहाँ पे, और कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए कहाँ कहाँ कौन से डिपार्टमेंट में जाना, डिपार्टमेंट में आना होगा, डिपार्टमेंट के लिए किससे मिलना होगा, तो सर इसको वन बाय वन सब कुछ बता दीजिए। बेसिकली जो बच्चे आएंगे बाहर से, इधर लैंग्वेज इशू होता है, इसलिए पहले आप चेन्नई सेंट्रल नहीं तो पेरम्बूर से उतरने के बाद आप बॉस में नहीं आने से बेहतर होगा, क्योंकि लगेज ज्यादा होगा, लैंग्वेज इशू होगा, तो बेहतर होगा आप कैब बुक कर दीजिए, डायरेक्ट निपमेंट में, निपमेंट का डेस्टिनेशन देकर वहां पे आ जाइए। अगर अगर फ्लाइट में आएंगे तो वहां से एयरपोर्ट से भी डायरेक्ट आप आ सकते हैं निपमेंट। 9 से 5 के बीच में आएंगे तो अच्छा है, क्योंकि कॉलेज के आप अच्छे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आपको जानकारी ले लेंगे। लेकिन आप 9 से 5 के बीच में अगर नहीं आएंगे, रात में अगर आपका ट्रेन पहुंचा कि फ्लाइट पहुंचा तो आपका बेहतर होगा, आप कॉलेज के पास कानाथूर नहीं तो केलम्बकम नहीं तो चेन्नई सेंट्रल में आप हॉस्टल में होटल में रहकर रह सकते हैं। और नेक्स्ट डे जो आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा, आप रिपोर्टिंग टाइम पहुंच के आप जो उसका कॉलेज जाओ, कॉलेज में रिसेप्शन में जाना होगा आपको, रिसेप्शन में जाके आप पता करो कि आपको आपका डिपार्टमेंट जैसे कि पीटी है, ओटी है, रीटू है, अपने डिपार्टमेंट पता करो आपको कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, अपने डिपार्टमेंट जाके एचओडी से मिलो, और एचओडी से मिलने के बाद आपको वो कुछ वहाँ पहुंचने के बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह फॉलो करना होगा, आपके एप्लीकेशन वगैरह लिखना होगा, एप्लीकेशन वगैरह लिख के आपको सबमिट कर देना है कि आज मेरी रिपोर्टिंग हो गया है, मेरा आज इतना समय है, इतना बजे मैं पहुंची हूँ कॉलेज या पहुंचा हूँ कॉलेज। इसके बाद आपको आपको आपके कॉलेज के आपके हॉस्टल के वार्डन के पास आपको जो वहाँ पे होंगे वो टीचर आपको वार्डन के पास भेज देंगे, और वार्डन के पास जाने के बाद आपको जो रूम होगा आपको रूम अलॉट कर दिया जाएगा। जो गर्ल्स हैं गर्ल्स का तो आपको अभी कैंपस के अंदर ही हॉस्टल मिल जाएगा, लेकिन जो बॉयज हैं उनको अभी शायद कैंपस हॉस्टल कैंपस वाला हॉस्टल नहीं मिल सकता है, तो आपको कैंपस के बाहर हॉस्टल मिलेगा। और सुनो सर, और आप तो रिसर्च हैं सर, तो आप बताइए जो एसबी निर्धार के बच्चे होंगे उसके लिए क्या करना चाहिए सर? जो लोग निकतर आएंगे वो लोग नियर बाई स्टेशन जैसे कि कटक नहीं तो भुवनेश्वर में उतरने के बाद वहां से डायरेक्ट बस मिलता है निकतर के लिए, नहीं तो आप ऑटो नहीं तो कैब लेकर आ सकते हैं, आधा घंटा 45 मिनट का रोड है, और वहां से आप डिपार्टमेंट जाकर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे सेम है जब पहुंचने के बाद आपको रिसेप्शन में जाना है, वहाँ डिपार्टमेंट पता करना है आपका डिपार्टमेंट कहाँ पे है, और वहाँ छोड़ी जाके सारा बात मिलना है, उसी तरह आपको वहाँ के वार्डन का पता करना पड़ेगा वार्डन कहाँ है, फिर वार्डन साहब रूम अलॉट होगा। एक्चुअली खास बात क्या है ना, निटमेंट में आपको यहाँ पे बस फर्स्ट बॉयज को हॉस्टल मिलता है, गर्ल्स को 1 से 4 ईयर तक मिलता है, और यहाँ पे हर एक बच्चे को हॉस्टल मिलता है। अदर कॉलेज प्रॉब्लम क्या है ना, आपको फर्स्ट राउंड में बस जो रैंकर बच्चे होते हैं उसको हॉस्टल मिलता है, बाकी सेकंड राउंड तक में सबको हॉस्टल मिलेगा, उसका प्रॉब्लम नहीं है। और जिस बच्चे को अगर हॉस्टल नहीं भी मिलता है उसको प्रॉब्लम नहीं है, वो क्या करेंगे ना, उस कॉलेज के नियर बाई लोकेशन पे आपको बहुत सारे पीजी मिलेंगे, तो आप पीजी और जो भी रेंट के लिए रूम और कुछ ऑनर लोग भी अपने पास रखते हैं बच्चे को, तो वहाँ पे आके रूम ले सकते हो, और रूम ले कुछ दिन फिर सेकंड राउंड का लिस्ट आएगा तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा। और सर आप जो है और सर यहाँ पे और एनआईटी बच्चे जो है उसी आप जैसे हम इसके लिए बताया एनआईटी बच्चे भी उसी तरह आप उसमें पहुंचो, रिपोर्टिंग डे पे पहुंच गए तो ठीक है, नहीं तो फिर आप होटल वगैरह नियर बाय रह लेना,
और कॉलेज पहुंचो और कॉलेज में डिपार्टमेंट पता करके अपने चॉइस मिल गए आपको, ऐसे ही जैसा जैसे प्रोसीजर मैं अदर कॉलेज के लिए बताया एनआईटी के लिए आपको सेम करना होगा। बाकी आप तो वहाँ पे काउंसलिंग करवाया तो बाकी कॉलेज वगैरह देख ही लिए होंगे आप लोग। और सर अंजू सर और बताइए सर, बच्चे जो आ रहे हैं उसको बहुत सारी क्वारीज आ रही है कि सर ड्रेस कोड क्या होना चाहिए और कॉलेज आएंगे तो क्या क्या उसका इंस्ट्रक्शन वगैरह है, रूल वगैरह है, तो सर बच्चे को बता दीजिएगा। देखो जैसे हम लोग जानते हैं कि ये एक मेडिकल प्रोफेशनल कोर्स है तो हमें हमारा आउटलुक भी प्रोफेशनल टाइप होना चाहिए। तो बॉयज के लिए है कि फॉर्मल पैंट और शर्ट होना चाहिए, एक बेल्ट होना चाहिए और एक फॉर्मल शूज होना चाहिए ब्लैक कलर में। और शर्ट जो है स्ट्रिप होना चाहिए, चेक में होना हो और प्लेन हो तो कोई बात नहीं, ये सब चलेगा। और ये ध्यान रहे कि ज़्यादा ब्राइट कलर ना हो और डिजाइन ज़्यादा ना हो बॉयज के लिए। और गर्ल्स के लिए कुर्ता लेगिंग्स रहे और लेगिंग्स का साइज एंकल तक नहीं होना चाहिए, सलवार दुपट्टा चलेगा। फुटवेयर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और डिजाइन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और बॉयज के लिए क्लीन से रखे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, नहीं तो आप ट्रिम कर सकते हैं एक और दो नंबर पे। ये सब है, इसे ध्यान रखें। और सर बच्चे आएंगे तो बाकी और सारा इंस्ट्रक्शन उनके जो क्लास कोऑर्डिनेटर होंगे वो आपको बाकी जो भी रूल होगा वहाँ का वो सब जान लेंगे। बेसिक आपका ये रूल है वो आपको फॉलो करना है। और बाकी हॉस्टल सीट के बारे में बात किया जाए तो वो आपको इससे पहले मैं बता ही दिया, बाकी और भी कुछ होगा तो मैं आपको आगे बताता हूँ। आप बाकी हमारे सैली सर हैं जो कि खुद नॉर्थ ईस्ट से हैं तो आपको बताएंगे सैली सर कि नॉर्थ ईस्ट के बच्चे जो हैं उनके क्या क्राइटेरिया है, उसके स्कॉलरशिप के लिए क्या क्या करना होगा, तो सैली सर प्लीज बच्चों को बता दीजिए इनके बारे में। नॉर्थ ईस्ट के लिए स्कॉलरशिप आपको बेनिफिट्स को मिलने के लिए आपको क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपको नॉर्थ ईस्ट काउंसलिंग से ही सीट लेना होगा निपमेंट में। वो हो सकता है इधर पीटी में हो या ओटी में हो या फिर पीओ में हो, तभी आप स्कॉलरशिप का बेनिफिट्स को मिल सकता है। और अगर आप बाहर कहीं एनएसपी वगैरह स्कॉलरशिप में फॉर्म भर दिया है तो आपको नॉर्थ ईस्ट का जो स्कॉलरशिप है वो आपका बेनिफिट्स को नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि दो दो स्कॉलरशिप ना भरें बल्कि आपको लेना चाहिए बस कॉलेज का, क्योंकि उसी में सभी चीज़ इंक्लूडेड हो जाता है। आपका नॉर्थ ईस्ट का बच्चा के लिए आपका हॉस्टल से लेके पुडिंग से लेके सब कुछ फ्री में किया जाता है। और आप जो ये 44,000 भर के आए हो काउंसिलिंग के समय उसमें से भी 33,000 जो है बाद में लौटाया दिया जाता है, आपका मिड सेशन तक वो आपको वापस दिया जाएगा। तो आप यही दिख रहेगा कि आप अगर नोटिस का मतलब कॉलेज का स्कॉलरशिप ले ले वही बेहतर रहेगा आपको, एनएसपी से मतलब उतना बेनिफिट्स नहीं होता है। तो यही है आपका। थैंक यू सर। और बच्चों जो सीईटी के काउंसलिंग से आ रहे हैं तो उनको ज़्यादा घबराने की बात नहीं कि इन लोगों को स्कॉलरशिप मिल रहा है वहाँ के बच्चे को, जो ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं, जो एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं एनएसपी पोर्टल पे उनके लिए भी स्कॉलरशिप का प्लान है कुछ, वो इसको जस्ट लाइक आप समझ सकते हो फिनेंशियल सपोर्ट टाइप का। तो उसके लिए जब आप कॉलेज आओगे आपका एडमिशन वगैरह हो जाएगा तो आप वहाँ अप्लाई करोगे वन ऑफ सर्टिफिकेट के लिए, वन ऑफ सर्टिफिकेट मिलेगा तो आपका प्रॉपरली कास्ट सर्टिफिकेट और जेंडर सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट वगैरह लेके आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देना है। बाकी आप आओगे तो हम लोग से मिलोगे, अपने कोऑर्डिनेटर सर से मिलोगे तो वो आपको पता चल जाएगा। तो और बच्चे की जेंडर और सर कुछ पता नहीं सर, और हमको और एक पॉइंट ऐड करना है, आपको बोनाफाइड और बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए आपको नोटिस का स्कॉलरशिप अवेलेबल करने के लिए। आपको बस एक एप्लीकेशन लिखना होता है जिसमें पेरेंट्स का सिग्नेचर चाहिए, तो उसको आप एचओडी सर को सबमिट करने पर आपको स्कॉलरशिप मतलब अवेलेबल किया जाएगा। और सर एक क्वेरी, सर जो बच्चे अकेले अगर रिपोर्टिंग के लिए आ रहे हैं तो उनके लिए तो पहले से घर से पापा का साइन लेकर आना पड़ेगा, वो भी कर सकता है। तो जो बच्चे अगर सिंगल रिपोर्टिंग के लिए आ रहे हैं तो वो क्या करें ना अपने फादर्स का या तो अपने जो पेरेंट्स हैं उनका साइन लेके आ जाए ताकि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो, एप्लीकेशन घर पे ही लेके आना था। हाँ। और एक जनरल क्वारी जा रही है बच्चों की कि सर ये बताइए कि अपने नाम से पहले इस प्रोफेशन को कंटिन्यू करते हैं, हमारा अंडर ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो जाता है तो अपने नाम से पहले डॉक्टर फिजिक्स यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो होता क्या है ना कि जैसे कि अपन ये एक मेडिकल कोर्स है तो ये जो अप्रूवल होता है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा होता है, तो आपको इससे कोर्स कंप्लीट होगा
तो आपका जो जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से जो आपका डिग्री बन के चाहे पीटी का हो या ओटी का हो या बीपीओ का हो, आपके नाम से पहले डॉक्टर लिखा होगा। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल एक प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो प्रैक्टिस जहाँ पे आपका बोर्ड होगा या जहाँ पे आप नाम लिखना होगा, तो बस आपका नाम के साथ ब्रैकेट में आपका जो प्रोफेशन है पीटी है या ओटी है या पीओ है वो ऐड करना पड़ेगा। तो अब हम लोग का ये अप्रूव हो चुका है कि हम लोग अपने नाम से पहले डॉक्टर यूज कर सकते हैं। और सर ये बताइएगा सर, सुनो सर, बच्चे मेरी क्वारी जा रही है कि सर एपिपेन स्टेथोस्कोप ये घर से लेके आना है, यहाँ मिलेगा और इसका क्या यूज है, तो सर बच्चों सब बता देते हैं। ये प्रोफेशनल कोर्स है जो जबकि हम लोग मेडिकल ग्राउंड में है तो अप्रूव वाइट कोट जो भी है ये नेसेसरी है। और रही बात स्टेथोस्कोपी, फिजियोथेरेपी में स्टेथोस्कोपी फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में कोई जरूरत नहीं है। तो अगर आप खरीद लिए हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं खरीदे हैं तो मत खरीदिए, थर्ड ईयर में आपको जरूरत होगा तो तभी खरीदना है। हाँ, अगर फिर भी अगर आप घर से लेके आते हो तो आप लेके आ सकते हो, क्योंकि तो जब अगर फर्स्ट ईयर में आपको फिजियोलॉजी वगैरह का प्रैक्टिकल होगा तो आपको रिस्पायरेटरी सेंटर वगैरह रिस्पायरेशन वगैरह पढ़ाया जाएगा। तो अगर आपके पास स्टेथोस्कोप होगा तो आप कहीं प्रैक्टिकल करके फील कर सकते हो कि हाँ हार्ट बीट इतना कर रहा है, हार्ट बीट साउंड क्या है। तो अगर आप खरीद सकते हो तो खरीद लेना, बाकी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में इसका मेनली यूज होगा। बाकी अपेरेंट तो मैं नेसेसरी है वो खरीद लेना घर से, या तो यहाँ पे आके खरीद सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये बेच की जहाँ तक बात रही तो आप जब कॉलेज आओगे आपके कोऑर्डिनेटर उनके लिए खुद ही वो अरेंज कर देंगे और आपको वो मिल जाएगा। तो ये निटमेट की बात रही, और अदर कॉलेज के लिए भी सेम है कि आप कॉलेज में आपको अपेरेंट को लेके जाना ही होगा, और डिपेंड करेगा कि इस कॉलेज में आपको और क्या नीड होती है, लेकिन मेनली आपको अपनी नीड होगी। आपका मन है तो आप अच्छे से सब ले लो खुद के प्रैक्टिकल के लिए, खुद अपना अगर ज़्यादा आपके पास रिसोर्स होगा तो आप ज़्यादा सीख पाओगे। और जनरली बच्चे की बहुत सारी क्वारी जा रही है कि सर मतलब हम मान लो कि किसी को नीट में मिल गया है, किसी को नई नहीं मिल रहा है, किसी को दिन या दिल्ली कॉलेज जाना है, तो हम अपग्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखो भाई प्रॉब्लम यह है ना कि आपको जिसको सीट मिल गया आप सारे बच्चे तो सीट छोड़ेंगे नहीं। मान लो किसी बच्चे को नीट में हो जाता है तो वो इनके टॉप रैंकर बच्चे जो होते हैं वो छोड़ेंगे, तो ये जान लो कि थोड़ा बहुत दो तीन सीट पांच सीट इन वैकेंट होगा। तो अगर सेकंड सीट वैसे सेकंड सेकंड कौन सी होने का कंफर्म है क्योंकि अभी भी सीट वैकेंट है। तो सेकंड सीट में जो कैटेगरी वाइज जिसके पास कैटेगरी वाइज रैंक के अंदर आ रहे हैं तो सेकंड काउंसलिंग वो अटेंड करें। बाकी और भी जब सीट वैकेंट होता है तो आपको ये एनआईडी को ऑफिशियल साइट पर शो हो जाएगा, तो आप अगर सीट वैकेंट होता है तो आप अपग्रेड के लिए वहां जा सकते हो। उसके लिए क्या करेगा करना पड़ेगा, आपके कॉलेज के डायरेक्टर से या एडमिनिस्ट्रेशन से बात करना होगा। अगर आपका आपके रैंक के अकॉर्डिंग वो डिपार्टमेंट मिल सकता है तो आपको मिल जाएगा, तो उनके लिए आपको वेट करना होगा। और आप इसके लिए आप ऑफिशियल साइट पर प्रॉपरली चेक करते रहो रेगुलरली। और इस चैनल पे आपको आगे जो है हम लोग क्या प्लान है कि हम लोग बीपीटी बीपीओ और ओटी क्या है, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, इसका क्या क्या फ्यूचर है अब्रॉड में, इसका क्या फ्यूचर है और इसके लिए क्या सिलेबस है, ये सब हम लोग आगे वीडियो बनाने वाले हैं। और हम लोग का ये प्लान है कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी हम लोग जितने भी हैं सीनियर्स वो सब मिल के एनाटॉमी फिजियोलॉजी और सोशोलॉजी साइकोलॉजी वो भी जितना लगता है फोर्थ ईयर तक हम लोग इस चैनल पे अपलोड करते रहेंगे वीडियो। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ये चैनल काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और हमारे जो एम जी यूनिवर्सिटी है जो अदर SBI जो भी उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक वगैरह होगा वो भी हम लोग यहाँ अपलोड करेंगे, तो ये चैनल बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो हम लोग वीडियो पे ही एंड कर रहे हैं। और हाँ, जो जूनियर्स आ रहे हो तो और भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो डिस्क्रिप्शन में हम लोग अपना इंस्टाग्राम का लिंक डाल दे रहे हैं, और किसी भी एकेडमी के नाम वाले में और कोई भी एकेडमिक और नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम होगा तो हम लोग यहाँ पे हैं। और भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो लिंक डाल रहे हैं इंस्टाग्राम का नीचे, आप हम लोग चारों का इंस्टाग्राम लिंक होगा वहाँ पे। और आप कमेंट में भी कुछ पूछना होगा तो पूछ सकते हो। और जीनियर जो आ रहे हैं उनका वेलकम है। और हम लोग चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर सब्सक्राइब कर दिए हो तो अधूरा काम नहीं होना चाहिए, तो बेल आइकन भी दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, थैंक यू।